वेलकम स्टूडेंट। क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ। मैथ का हमारा नेक्स्ट चैप्टर चालू हो गया सेवन, सिमेट्री। सिमेट्री यानी होती है समरूपता, यानी समरूपता का आज हम ये हम फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो समरूपता होती क्या है, जो हमारे डायग्राम्स होती है जैसे कि स्क्वायर हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, अगर वो एक जैसे हो गए तो वो क्या हो जाएंगे, सिमेट्री हो जाएंगे एक दूसरे की। जैसे कि आपको देखिए ये स्क्वायर है, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ऐसे एक उसको फोल्ड करेंगे, अगर पेपर हो ऐसा फिर उसको फोल्ड करेंगे, फिर वापस से उसको दूसरा फोल्ड करेंगे, तो वो क्या एक दूसरे के ऊपर बराबर गिरते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होती है, तो ये एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, फिर हमें एक छोटा सा ऐसा क्यूब मिलता है। ठीक है, तो ये क्या होगी, उसकी सिमेट्री होगी यानी समरूपता होगी। तो देखिए आप समरूपता के बाद हम देखने वाले रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री। तो रिफ्लेक्शन यानी क्या होता है कि जो हम आईने में देखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है यानी प्रतिबिंब होता है। तो ऐसे एक डायग्राम फिर अगर हमने बीच में मिरर दिखाया तो वो क्या उसके कंप्लीट कर देता है उसके अगले वाले पार्ट को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखने वाले हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अभी एक्सिस क्या मतलब, हमने जैसे कि हमने सिक्स चैप्टर में ग्राफ बनाना सीखा है, तो उसमें एक्सिस देखी थी, एक क्या थी वाई एक्सिस थी, एक क्या थी एक्स एक्सिस थी, ये वाई और ये एक्स। तो ऐसे आपको यहाँ पे दो लेटर है, फिर यहाँ पे एक डायग्राम है, तो उसमें आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करके दिखनी है और वो एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली गिरते हैं या नहीं वो देखनी है। तो जैसे कि यहाँ पे कैपिटल ए दिया है, अगर उसको हम ऐसा ए हम अगर हम एक कागज पे बनाएंगे और उसको फोल्ड करेंगे हाफ, तो वो क्या होता है कि जो उसके जो रिमेनिंग यहाँ पे दो पार्ट करेंगे तो वो क्या होता है एक दूसरे पे प्रॉपरली गिरते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो सिमेट्री हो गया। फिर एच को भी अगर हम उसका हाफ करेंगे, इसे फोल्ड करेंगे, तो ये वाली साइड है पूरी इस साइड पे गिरती है और ये वाली जो साइड है वो पूरी इस साइड पे गिरती है, यानी ये जो उसका हाफ करेंगे तो वो बराबर उसके ऊपर गिरता है। तो ये आप करके देखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे है हेक्सागोन। हेक्सागोन यानी जिसको सिक्स साइड होती है, 1 2 3 4 5 6। तो अभी देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस भी बन रही है और एक्स एक्सिस भी बन रही है। तो जैसे कि हमने स्क्वायर का देखा, तो ये हमने इसके अंदर एक वाई एक्सिस निकाली और एक क्या निकाली, एक्स एक्सिस निकाली। तो ये जो हम दिखा रहे हैं वो दोनों क्या है, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर उसको हम हाफ फोल्ड करेंगे फिर अगेन उसको फोल्ड करेंगे तो हमें जो डायग्राम मिलेगी वो कैसी मिलेगी, ऐसी वाली मिलेगी, छोटी वाली, उसको जो फोल्ड करने के बाद। ठीक है, तो ये हमारी होगी रिफ्लेक्शन, यानी उसका जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो ही, ये जो ऊपर का पार्ट है उसका रिफ्लेक्शन पार्ट कौन सा है, ये वो अनकलर वाला, वो क्या उसका रिफ्लेक्शन पार्ट है। तो ये देखिए, फिर उसको हमने जो बीच में से उसको काटा है तो वो किससे काटा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यही हमें क्या करना है, उसके यही ध्यान में रखना है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी क्या होती है, समरूपता होती है। कोई भी चीज होगी तो वो अगर प्रॉपरली उसके लेंथ के ऊपर गिर रही है, एक जैसे दिख रही है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी सिमेट्री हो जाएगी। और हमारे मिरर में जो भी प्रतिबिंब दिखते हैं वो क्या रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री होता है। और अगर हमें उसको इक्वली डिवाइड करना है तो हमें ऐसे उसके बीच में से एक्सिस निकालनी पड़ती है। तो ये क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट देखते हैं। फिर यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 20 उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फिगर्स बिलो, विच ऑफ देम हैज मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हमें क्या करना है कि इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो हमने अभी देखे वो निकालनी है और देखना है कि उसको एक एक्सिस सिमेट्री है या दो एक्सिस। जैसे कि हमने ए को देखा था, तो ए को क्या होती है, जो हमने ए एग्जांपल में देखा था, तो ए की जो एक्सिस है वो सिर्फ एक ही आती है। ठीक है, एक ही एक्सिस है, उसकी दूसरी एक्सिस निकालेंगे तो वो आएगा का प्रॉपर नहीं आएगा, तो वो उसको क्या एक ही एक्सिस है। तो अभी हमें ये डायग्राम दिए क्वेश्चन में, उसके ऊपर देखना है कि वो उनको एक वन एक्सिस है या टू एक्सिस है। तो देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिए, तो हम क्या करेंगे, पहले वाई एक्सिस निकालेंगे यानी वर्टिकल लाइन बनाएंगे, वो भी डॉटेड। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो वो बराबर ये वाली साइड इस साइड पे गिरती है, ये वाली साइड इस साइड पे गिरेगी, ये वाली यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये इसके ऊपर, यानी इक्वल पार्ट हो जाएगी। अभी देखते हैं कि उसकी अनादर एक्स एक्सिस बनती है क्या। तो अगर हम उसको ऐसे हाफ अनादर फोल्ड करेंगे हॉरिजॉन्टली में, तो देखिए ये जो पूरा पार्ट है वो इस वाले पार्ट पे से गिर जाएगा, यानी वो दो पार्ट जो है वो इक्वल है। तो हमें क्वेश्चन क्या किया कि मोर देन वन, तो वन एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है, तो वो एक से ज्यादा है, तो ये इसको क्या है कि मोर देन वन एक्सिस है। तो हम क्या लिखेंगे, फिगर फर्स्ट
फिगर हैज मोर देन वन एक्सिस। ठीक है, तो किताब में आपको सेकंड दिए, मेन मैंने यहाँ पे थर्ड के थर्ड निकाल के दिए, तो हम थर्ड में देखते हैं कि उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं। सेकंड आपको सॉल्व करना है, सेकंड और फोर्थ आपको सॉल्व करना है, मैं फर्स्ट और सेकंड आपको थर्ड आपको सॉल्व करके दे। तो देखिए ये हाउस का यहाँ पे डायग्राम है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उसको वन एक्सिस है या टू एक्सिस है। तो हम क्या करेंगे, पहले बाय एक्सिस निकालेंगे। सिक्स चैप्टर में हमने देखा है वाई एक्सिस क्या होते हैं, वर्टिकल लाइन होते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसको एक्स एक्सिस से देखेंगे तो देखिए प्रॉपरली ये वाले साइड इस साइड पे गिरती है, फिर ये वाली इस साइड पे गिरेगी, फिर ये जो है वो इस साइड पे गिरेगी, और ये जो बेस है उसका वो इस साइड पे गिरेगा। लेकिन अगर हम उसके वाई एक्सिस बनाएंगे तो आएगा क्या प्रॉपर, यहाँ पे ट्रायंगल जैसा बन रहा है, यहाँ पे क्यूब जैसा बन रहा है, तो आएगा क्या बराबर, नहीं आएगा। तो इसको क्या है, सिर्फ ओनली वन एक्सिस है। तो हम लिखेंगे फिगर थ्री हैज ओनली वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसको क्या है एक ही एक्सिस है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सेकंड और फोर्थ सॉल्व करना है, आपको वर्टिकल लाइन बना के देखनी है, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बना। तो ऐसे आपको सेकंड फोर्थ करना है, जैसे कि यहाँ पे वर्टिकल लाइन मैंने बनाई थी, हॉरिजॉन्टल बनाई थी, और आपको करके देखना है कि उसको वन एक्सिस आएगी या टू एक्सिस आएगी। और आ रही, तो ऐसे आपको आंसर लिखना है फिगर वन हैज मोर देन वन एक्सिस, मतलब एक से ज्यादा उसको एक्सिस है, ऐसे आपको लिखना है। फिर था फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इन योर नोटबुक, ट्राई टू ड्रॉ देयर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, विच वन हैज वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड विच वन हैज वन मोर देन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा था, तो आपको क्या करना है कि कैपिटल लेटर निकालने इंग्लिश अल्फाबेट के, कौन से ए बी सी डी जेड तक, तो उनके क्या करने, आपको कैपिटल लेटर्स निकालने हैं और उनको एक्सिस निकाल के देखनी है, फिर देखना है कि किसको, यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि किसको सिर्फ वन एक्सिस है और किसको क्या मोर देन वन एक्सिस है। तो आपको दो क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर देने, तो फर्स्ट यानी हम ए निकालेंगे, ऐसे कैपिटल निकालने हैं, फिर आपको क्या करना है एक्सिस निकालनी है। तो ये बाय एक्सिस हो गई, फिर ये एक्स एक्सिस हो गई। तो देखिए बाय एक्सिस जब होती है तो प्रॉपरली उनके दो इक्वल पार्ट होते हैं, लेकिन जब हम वाई एक्स एक्सिस निकालेंगे यानी हॉरिजॉन्टल लाइन निकालेंगे तो वो आएगा क्या प्रॉपर इक्वल पार्ट, नहीं। तो इसको क्या है, सिर्फ वन एक्सिस है, ए हैज ओनली वन एक्सिस। तो ऐसे ए निकाला, फिर बी निकाला, वो भी कैपिटल, ठीक है। तो फिर बी को भी आपको क्या करना है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो अगर हम ऐसे यहाँ पे वर्टिकल लाइन बनाएंगे, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, तो आ रहा है क्या, जब हम उसको वर्टिकल लाइन बनाते हैं तो दो उसको इक्वल पार्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सर्कल जैसे बन रहे हाफ और यहाँ पे एक कॉलम जैसे बन रहा है, तो ये वाई एक्सिस उसके नहीं होगी, लेकिन एक्स एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल तो वो इक्वल पार्ट होते हैं, ये वाले जो हाफ हाफ सर्कल है वो बराबर इसके ऊपर गिरते हैं। तो इसको भी क्या है, सिर्फ ओनली वन एक्सिस है, बी हैज ओनली वन एक्सिस। ऐसे ही आपको जेड तक निकालने है और देखना है कि उसको एक ही एक्सिस है या दो एक्सिस है। ओके, थैंक यू। तो आपको ये जो पूरा प्रैक्टिस है 20, ये आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।